राखी जी आपने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के जो कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजे थे जिसमें आदिल ये बता रहा था कि हम बिग बॉस में जाएंगे, शाहरुख खान को शाइन करेंगे, दुबई के वो सारे, तो आप उस समय क्यों चुप थे? मैंने उसी वक्त दिए जिस वक्त मुझे मिले मुझे दिए हैं। मैं क्या उसकी गर्लफ्रेंड के, जब उसकी गर्लफ्रेंड ने आके मेरे से हेल्प मांगी, उसने मुझे सबूत दिया, मैंने उसी वक्त दे दिए सबूत। मैं कहां से लाऊं सबूत? सबूत मुझे मैंने मुझे सारे सबूत दो। जब लड़की वो हेल्प के लिए मेरे पास आई उस वक्त ईरानी लड़की उस वक्त उस लड़की ने मुझे सबूत दिए, वो सबूत मैंने पुलिस स्टेशन में दिए, इसको दिया, आप लोगों को दिए। अच्छा राखी, आपके नाम के आगे भी सारे हैशटैग लग रहे हैं और आप उम्रा करके आई है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लगा कि चलो ठीक है, चीजें सब पीसफुली सब चीजें सही हो जाएगी, उसके बाद चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, रिलीजन को लेकर के भी बहुत सारी चीजें आई, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि आपके कंधे पर रख करके ऐसा लग रहा था कि सब बंदूक चला दूं और आप खाली एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं? नहीं, आदिल ने बहुत ही गंदा गेम प्ले किया। ये जो दोनों यहाँ पे ये थे, एक मिनट, उसके आगे क्या हैशटैग लगता है? राखी का हस्बैंड आदिल, राखी हस्बैंड आदिल खान दुरानी, हैशटैग नॉट आदिल खान वाइफ राखी सावन, शी इज राखी सावन, शी इज द वन हु गेव हिम फेम, शी इज द वन हु ब्रॉट हिम हियर। हाँ वो सब हम मानते हैं, लेकिन अभी लेकिन मैं शांत हो गई हूँ इसलिए, क्योंकि मेरा दिमाग ही एकदम आदिल ने एकदम मुझे जाते आंखें खुलते हुए कोमा में डाल दिया, यू नो कि उसने मुझे इतना परेशान कर दिया इतना मुझे टॉर्चरिंग कर दिया है। और उसने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था इनके साथ कि मैं राखी के साथ, तो मैं सर उसको यूज करने, उसके पैसे छीनने, बॉलीवुड में जाने, बिग बॉस के लिए जा रहा हूँ, इन दोनों को पहले से बोल के रखा था। अच्छा, अभी हम कैसे विश्वास करें कि आज ये आपके साथ है, कल वहाँ पर ना हो जाए? बिकॉज ये बहुत चलते आया है। राखी को जब लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई, आप लोगों को याद है, कोर्ट में भी आई थी, मैं कभी किसी के साथ, मुझे पहली बात है वहां से शर्ली लाई, इसलिए आप कह रहे हो ना। आप लोग अपने रोजी रोटी की कसम खा के बोलो कि जिस अमित की पार्टी में गई थी मैं, उसको उस समय मैंने बात भी नहीं कर रही थी, वो मेरे पीछे भी जाई थी। आज एक ही बात बोलूंगी, शर्लिन भी नहीं है, वो मैनिपुलेट करता है, वो कन्विंस करता है, उसके अंदर वो अला, उसके अंदर वो कला है बहुत अच्छी कि वो कैसे उसको मैनिपुलेट करके उसके खिलाफ खड़ा किया। और उस पार्टी में शर्लिन मेरे पीछे आई थी, मैं शर्लिन के पीछे नहीं गई थी। ऐसा नहीं लग रहा है शर्लिन का भी आदिल के पास है? नहीं, गाना तो मैं अपना अकेला बैठ के गाना गा रही थी, वो आके उधर आके चेयर पे बैठ जाती है, मैं क्या करूं? यहाँ पे आई राखी जी, राखी जी, राखी जी, राखी जी, राखी जी, राखी जी, वन क्वेश्चन राखी जी, शर्लिन कभी आदिल के पास जा रही है, कभी आपके पास आ रही है, ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? मुझे नहीं पता, शर्लिन ने मुझे ये बताया कि मेरे साथ राखी कांड हुआ है, उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली है कि मैं आदिल के साथ नहीं खड़ी रह सकती। बताइए।